हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई फ्रेश वीडियो में। इस वक्त मैं ESP के बॉटम पोजीशन में हूँ। ये जो आप वीडियो में देख रहे हो, ये है ESP का बॉटम पोजीशन, जहाँ से ESP की शुरुआत होती है। ये सारे मेन कॉलम हैं जो आप वीडियो में देख रहे हो, वहाँ यहाँ ये सारे मेन कॉलम है जो भी आप वीडियो में देख रहे हो। उसके साथ जो कनेक्ट है ये क्रॉस में, ये ब्रेसिंग है, इसे हम लोग ब्रेसिंग बोलते हैं। इसी कॉलम और ब्रेसिंग पर ESP का पूरा लोड होता है। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी आपको सिर्फ कॉलम और ब्रेसिंग ही दिखाई देगा। मैं आपको कैमरे की मदद से दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप देख लो। ये डी पास का एरिया है जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, और ये मेरी सामने की तरफ सी पास, उसके बाद बी और ए पास। अभी हमारा काम डी पास में हो रहा है, उसके बाद सी पास में होगा। अगर मैं कैमरे को ऊपर की तरफ करूँ, जस्ट ऊपर, तो ये 6 मीटर एलिवेशन है ESP का, जहाँ से हॉपर की शुरुआत होती है। ये डी पास है, मैं आपको सी पास की तरफ दिखाता हूँ। ये सामने देखो, ये सी पास है और ये 6 मीटर एलिवेशन है जहाँ से हॉपर की शुरुआत होती है। ये सारे ESP के हॉपर्स हैं, और इस हॉपर्स की हाइट जो है वो 12 मीटर पर जाकर ख़त्म हो जाती है। मतलब 6 मीटर से लेकर 12 मीटर तक ESP का हॉपर होता है। उसके बाद मिडिल एलिवेशन से टॉप एलिवेशन, वो 12 मीटर से ऊपर का एरिया होता है। मतलब मिडिल एलिवेशन के बाद सीधे आपको टॉप एलिवेशन होता है, एलिवेशन तक इंटरनल एरिया होता है ESP का, जहां पर हमें पूरा का पूरा इरिगेशन का काम करना है, मतलब कि मटेरियल को असेंबल करना है, जो आप आने वाली वीडियो में देखोगे। इस वक्त ये सी पास रनिंग कंडीशन में है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो, वो सामने की तरफ देखो, JB's जंक्शन बॉक्स में लाइटिंग वगैरह ऑन है, इंडिकेटर जिसे बोलते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये पूरा का पूरा सी पास, ए पास और बी पास रनिंग कंडीशन में है। सिर्फ डी पास को बाईपास किया गया है, आइसोलेट किया गया, बिकॉज हमें इस वाले पास में काम करना है। अभी मैं आपको 6 मीटर की हाइट के पास भी लेकर चलूँगा, उसके बाद मिडिल एलिवेशन पर लेकर चलूँगा, फिर टॉप एलिवेशन पर। आने वाली वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ESP की पूरी डिटेल मिलेगी आपको मेरे चैनल पर। तो चैनल से फटाफट जुड़ जाओ। इस वक्त हमारा प्रिपरेशन वर्क अंडर प्रोग्रेस में है। क्या कुछ काम हो रहा है ESP के बॉटम पोजीशन में, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो बहुत सी चीज़ों को मिस कर जाओगे, बहुत सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। सो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। ये देखो गाइज, इस वक्त इलेक्ट्रिक विंच मशीन शिफ्टिंग का काम हो रहा है हाइड्रा के थ्रू। इस इलेक्ट्रिक विंच मशीन को एग्जैक्ट लोकेशन पर लगाया जा रहा है जहाँ से लोअरिंग लिफ्टिंग का काम होना है। A few moments later. गाइज ये देखो, ये जो आप सामने की तरफ वीडियो में देख रहे हो, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक विंच मशीन को इस लोकेशन पर लगाया गया है। इसे ESP के मेन कॉलम के साथ कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ से वायर रोप सीलिंग को निकाला जाएगा, और किस तरह से वायर रोप सीलिंग निकलकर टॉप एलिवेशन तक जाती है वो सब कुछ आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। और एक दूसरे इलेक्ट्रिक विंच मशीन को यूनिट नंबर 2 में लगाया जाएगा, बिकॉज हमें पैरेलल में काम करना है। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में, दोनों में एक साथ काम करना है। यूनिट नंबर 1 में डी पास में काम करना है, और यूनिट नंबर 2 में सी पास में काम करना है। तो वो सब कुछ आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा किस तरह से सारा काम होगा। अभी ये इलेक्ट्रिक विंच मशीन को पूरी तरीके से लॉक नहीं किया गया है, अभी यहाँ पर काम अंडर प्रोग्रेस में है। इसे सही तरीके से लॉक किया जाएगा, ताकि जब इस पे लोड पड़े तो ये इधर उधर मूव ना हो। तो ये प्रॉपरली तरीके से लॉक की जाएगी, और सही तरीके से चेक करने के बाद इसे यूज़ किया जाएगा, बिकॉज हमें पूरा का पूरा इरेक्शन का काम इसी इलेक्ट्रिक विंच मशीन से करना है। और गाइज ये देखो आप सामने की तरफ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा, ये जो आप ऐश की पाइपलाइन देख रहे हो, कुछ इस तरह की पाइपलाइन इधर भी लगी हुई थी, जिसे डिसमेंटल कर दिया गया है। टोटल 4 लाइन लगी हुई थी, और वो सभी पाइप को डिसमेंटल करके यहाँ रखा गया है, ये सामने की तरफ। ये देखो आप, ये सारी ऐश की पाइपलाइन है, और इसे डिसमेंटल किया गया है उस लोकेशन से। टोटल 4 लाइन लगी हुई थी, मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक यहाँ से डिसमेंटल हुई है, दूसरा यहाँ से, थर्ड उस पोजिशन से, और फोर्थ ये इस पोजीशन से। बिकॉज हमें जो काम करना है इस तरफ में काम करना है, इसलिए हमने इस तरफ का डिसमेंटल नहीं किया है। अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूं, तो आप देखो, ये हॉपर के नीचे ऐश पाइपलाइन लगी होती है, तो इस हॉपर में काम करना है, उसके बाद उस वाले हॉपर में, फिर उस वाले हॉपर में। तो ये 3 हॉपर इधर से, 3 उस वाले लाइन में, 6 फिर उसके आगे, 3 उसके आगे, 3, टोटल 12 हॉपर में हमें काम करना है। और ये जो आप देख रहे हो, इसे वाल्व बोलते हैं, डोम वाल्व। तो इस तरह के वाल्व को भी हम लोगों ने डिसमेंटल किया है इस लोकेशन से, उसके बाद वो उस लोकेशन से। एक एंड में लगा हुआ है तो उसे हम लोगों ने छोड़ दिया है,
सिर्फ दो हॉपर के नीचे जो वाल्व लगे हुए थे उसे डिसमेंटल किया है, थर्ड वाले की जरूरत नहीं पड़ी। वो इसलिए हम लोगों ने किया है बिकॉज हमें जब इरेक्शन करना होगा ना तो ये सारी चीजें फॉल करती, मतलब कि डिस्टर्बेंस होती, तो जो भी डिस्टर्बेंस वाली चीजें हैं उसे हम लोगों ने डिसमेंटल किया है। चाहे बात करें इस ऐश पाइपलाइन की या फिर इस वाल्व की, उसके अलावा ये जो आप टाई रड देख रहे हो, ये चार के चार टाई रड लगे हुए हैं ना, 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5, 1, 6, टोटल 6 टाई रड लगे हुए हैं एक हॉपर के नीचे। इस तरह के सभी टाई रड को हम लोगों ने डिसमेंटल किया है इधर से। अभी यहाँ का बाकी है, वो आगे वाले को डिसमेंटल कर दिया है, हटा दिया है, इस वाले का बाकी है और वहाँ का हटा दिया गया, सिर्फ एक बाकी है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हमें वो सारी चीज़ों को हटाना है, डिसमेंटल करना है जिससे डिस्टर्बेंस होती है। मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस तरफ में सारी चीज़ें लगी हुई हैं तो मैं इधर ही से आपको सब कुछ बताता हूँ। तो मैं चलता हूँ इस वाले वाल्व के पास। जैसे मान लो ये वाल्व पूरा का पूरा कंप्लीट लगा हुआ है, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ये ऐश पाइपलाइन देख रहे हो इसे डिसमेंटल किया है, इसके साथ में ये जो आप टाई रड देख रहे हो, टाई रड से कनेक्ट ये रिंग देख रहे हो, इसे हटाया है। सबसे पहले इसे खोला, उसके बाद ये टाई रड हटाया, फिर ये ऐश की पाइपलाइन डिसमेंटल की यहाँ से, उसके बाद इस तरफ से ऐसे पाइपलाइन को डिसमेंटल किया सेम, ये पूरा का पूरा वाल्व सिर्फ खाली बचा। उसके बाद इस वाल्व को हम लोगों ने हटाया है, ये सारे टाई रड से हटाने के बाद कंप्लीट इसे नीचे उतारा है एक्चुएटर के साथ में। उसके बाद जो टाई रड देख रहे हो ये 6 की 6 टाई रड, उसे फिर बाद में हटाया है। तो ऐसे 2-3 स्टेप में सारी चीज़ें हम लोगों ने डिसमेंटल की है। इसका वाल्व और एक्चुएटर हम लोगों ने वहाँ स्टोर के पास में रखा है, और वो जो ऐश की पाइपलाइन देख रहे हो वो उधर हम लोगों ने रखा है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। और उधर में ब्रेसिंग भी रखी हुई है, ब्रेसिंग भी हमें रिमूव करना पड़ा, टोटल 6 ब्रेसिंग रिमूव करनी पड़ी हैं, 3 उस साइड से और 3 इस साइड से। ये जो आप ब्रेसिंग देख रहे हो ना, इस तरह की ब्रेसिंग, हमें इधर में कोई काम नहीं करना इसलिए हम लोगों ने इसे रिमूव नहीं किया है। आप देखो ये पूरी की पूरी कंप्लीट है, पर आप जैसे ही उधर देखोगे तो यहाँ देखो पहला एंड यहाँ से कट किया हम लोगों ने और दूसरा बिल्कुल वहाँ जीरो से। इस तरह से 3 ब्रेसिंग हम लोगों ने यहाँ से रिमूव की है, दूसरा ये आप सामने देखो और थर्ड आप वहाँ देख लो। तो ये 3 ब्रेसिंग हम लोगों ने रिमूव की है बिकॉज हमें जो पूरा इरेक्शन का काम करना है इस वाले हॉपर में करना है, उसके बाद ये इस वाले हॉपर में करना है, ये 2 हो गया, और थर्ड वहाँ एंड में करना है। तो अगर ये इस तरह से ऐसे ब्रेसिंग लगी होती तो जो भी हम मटेरियल को लेकर जाएंगे हॉपर के अंदर में तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती, तो इसलिए हमें ये सारी ब्रेसिंग को रिमूव करना पड़ा है। जितनी ब्रेसिंग हमने इधर रिमूव की है, जो भी ब्रेसिंग हमने इस साइड में रिमूव किया है, मतलब कि 3 ब्रेसिंग, सेम इतनी ही ब्रेसिंग हम लोगों ने उस साइड में रिमूव किया है, टोटल 6 ब्रेसिंग को रिमूव किया गया है। उसके अलावा ये पाइपलाइन को डिसमेंटल किया गया है, वाल्व हटाया गया है, टाई रड हटाया गया है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपसे अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। ये देखो गाइस, सामने की तरफ आप देख रहे हो ना, कुछ पाइपलाइन को इधर ही छोड़ दिया गया है, साइड करके रख दिया गया है, एक वहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो पाइपलाइन है ये इस लोकेशन की है और वो जो पाइपलाइन है वो उस लोकेशन की है, मतलब इस वाले हॉपर से लेके उस वाले हॉपर तक, और वो जो थर्ड में रखी हुई है ना वो उस हॉपर से लेके इस हॉपर तक। तो ये 3 की 3 पाइपलाइन इधर ही रखी हुई है। ये ऐश वाली पाइपलाइन है जो उस तरफ में कुछ रखी हुई है, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करके ये सारे वाल्व को खोला गया है, पाइपलाइन को खोला गया है, एक्चुएटर वगैरह उतारा गया है, टाई रड को हटाया जा रहा है ये सारे स्ट्रक्चर की मदद से। अब मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा नोटिस करो, ये जो भी आप पाइपलाइन देख रहे हो तो आप वो उस तरफ में नज़र करो, तो आप देखोगे वो सी पास का एरिया है, वो पूरा कंप्लीट असेंबल है, सारी चीज़ें देख लो, तो कुछ उसी तरह का इस तरफ में भी था जिसे हम लोगों ने डिसमेंटल किया है। तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये जो आप सामने देख रहे हो, जिस तरह से ये एस लाइन देख रहे हो, ये पूरा कंप्लीट असेंबल है, ये सी पास का है, जब हम इसमें काम करेंगे तो हमें डिसमेंटल करना पड़ेगा जो हमने इस तरफ में किया है, देख रहे हो यहाँ से, बिकॉज हमें 3 हॉपर में काम करना है, 1, 2 और 3, ये 1 लाइन है, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, टोटल 12 हॉपर, मतलब कि हम लोग उसे 6 फील्ड बोलते हैं पर यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसे 3 फील्ड मानता है, पर कोई नहीं हमें तो काम करना है। ये देख लो इस तरफ में आपने देख लिया ब्रेसिंग कट है, टोटल 3, 1, 2 और ये 3। अब मैं आपको दूसरी साइड लेकर चल के दिखाता हूँ, इस तरफ में भी आप देख लो, सामने एक कटिंग है ये वाली, उसके बाद दूसरा वहाँ और थर्ड वहाँ, तो टोटल 6 ब्रेसिंग को हमें कट करना पड़ा है, और वो सामने इलेक्ट्रिक विंच मशीन को कनेक्ट किया जा रहा है कॉलम के साथ, मतलब कि लॉक किया जा रहा है।